नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपस्टॉक में अकाउंट कैसे ओपन करें। तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो होएगा, वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप विद मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर डालनी है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 6-डिजिट पिन बनाना है जो आपको याद रखना है, और ताकि आपको लॉगिन करते समय बार बार अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ना डालना पड़े। उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करो और सेम पिन को दोबारा डालो और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करो। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है और अपडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड रेडी रखना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले पैन नंबर डालना है, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपने बारे में कुछ बताना है कि हम मेल हैं, हम सिंगल हैं और हमारी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है या फिर ज़्यादा है, वो आपको बता देनी है। और आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस 1 साल से कम है और आपके पिताजी का नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड नंबर में है। उसके बाद में आप क्या काम करते हो, तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको फ्यूजर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट नहीं करना है, नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं हो, आप नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इंडिया कंट्री है तो यस सेलेक्ट कर लेना है, और आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। बाद में आपको आई वॉन्ट स्टॉक फॉर 0 रुपीज़, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर स्क्रीन पर लिखना है जो आपके पैन कार्ड नंबर पर है, सेम सिग्नेचर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में आपको डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यदि आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, यानी ये साइट वर्क नहीं कर रही है अभी, तब आपको घबराने की कोई बात नहीं है, एक दो बार ट्राई कर लेना है। यदि नहीं हो तो आप एक बार बीच से काट दो और 1 घंटे तक आप कुछ मत करो। 1 घंटे के बाद में आप दोबारा से मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओ और इस लिंक पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालो और उसके बाद में आप OTP डालो। उसके बाद में आप सेम इसी जगह पर वापस आ जाओगे जहां पर आपने छोड़ा था। आपको वो प्रोसेस दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर दोबारा से अपने आधार नंबर डालो और उसके बाद में आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहां पर डालनी है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अलो कर देना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है, गोट इट पर क्लिक करना है और कैमरा को अलो कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी एक सेल्फी लेनी है और सेल्फी लेते समय आपको अपने सर से कैप और चश्मा वगैरह उतार देनी है ताकि आपकी सेल्फी है वो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद में आप यदि दोबारा से सेल्फी लेना चाहो तो आप टेक अनदर पर क्लिक कर दो, वरना आप एक्सेप्ट पर क्लिक करके आपको आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है जो आपकी बैंक पासबुक में लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पर IFSC कोड डालना है। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद में आपको दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग है या फिर करंट, तो आपको सेविंग पर क्लिक करना है यदि आपका अकाउंट सेविंग है तो। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का अकाउंट सेविंग ही रहता है, यदि आपको पता नहीं है कि आपका अकाउंट कौन सा है तो आप सेविंग पर क्लिक कर देना, यदि आपको पता है कि आपका अकाउंट करंट है तो आप करंट पर क्लिक कर देना, ओके। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में आपको साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है,
और उसके बाद में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट नहीं करना है, नो आई विल डू इट लेटर इस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नॉमिनी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, उसके बाद में आपको आई विल डू इट लेटर पर क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको ई साइन विद आधार ओटीपी पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है, और ई साइन नाउ पर क्लिक करके आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। और उसके बाद में आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई करनी है। उसके बाद में आपके सामने ये ऐसा विंडो शो होगा और अब जो आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है और अब टीम अपस्टॉक आपका अकाउंट वेरीफाई करके आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड करेगी आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी जीमेल आईडी पर। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है अपस्टॉक और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपके जीमेल आईडी पर मिले थे वो डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में यदि आप रेफर करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको सबसे पहले एक ट्रेड करनी होगी, तभी आप अपने दोस्तों को रेफर कर पाओगे। और यदि आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करें और रेफर करने का बेस्ट तरीका कौन सा है ताकि हमें 100% रिजल्ट मिले, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अभी का अभी इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लाता रहूँगा और मेरे जैसा सटीक वीडियो कोई नहीं बनाता है। मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ और बहुत सारी प्रॉब्लम जो लोगों को अकाउंट ओपन करते समय आती हैं वो भी मैं वीडियो में कवर कर लेता हूँ। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप इन स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। सो मिलते हैं आपसे ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए पैसे छापते रहो।